हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल शबीका किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं पानी पूरी। पानी पूरी का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन हर टाइम इसे बाहर जाके खाना पॉसिबल नहीं होता, तो क्यों ना इसे घर पे ही बनाया जाए। तो सबसे पहले हम पानी पूरी का रगड़ा बनाना देखेंगे। तो यहाँ मैंने ली हूँ 250 ग्राम वाइट वटाना। इसे मैंने 6 घंटे के लिए पानी में भिगो के रख दी हूँ। 1.5 चम्मच हल्दी, नमक टेस्ट के हिसाब से। अब हम प्रेशर कुकर में वटाना ऐड कर देंगे। रगड़े को हमें प्रेशर कुकर में ही पकाना है, इससे वटाना जल्दी गल जाएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। मैंने यहाँ पे 700 मिलीलीटर पानी ऐड की हूँ। अब ऐड करेंगे हल्दी पाउडर। और इसे अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। अब हम प्रेशर कुकर बंद करके पहली सीटी आने के बाद 20 मिनट के लिए स्लो आंच पे पका लेंगे। 20 मिनट हो चुके हैं। कुकर में से प्रेशर रिलीज होने के बाद ही इसे ओपन करें। तो हमारा वटाना बनके तैयार हो चुका है, ये अच्छे से गल गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक और इसे एक बार मिक्स कर लेंगे। रगड़ा हमें ज्यादा पतला नहीं बनाना है, ये थोड़ा गाढ़ा ही होता है। अब हम पानी पूरी का तेज या तीखा पानी बनाना देखेंगे। यहाँ मैंने ली हूँ 5 हरी मिर्ची, पानी पूरी मसाला, ये एवरेस्ट का पानी पूरी मसाला है, 10 रुपये में आ जाता है, 2 चम्मच शक्कर, 1 नींबू का रस, 1 चम्मच काला नमक, 1 कप पुदीना। अब हम हरी मिर्ची, काला नमक, शक्कर और पुदीने को मिक्सर ग्राइंडर में पीस के पेस्ट बना लेंगे। तो ये हमारा पेस्ट बनके तैयार हो चुका है। याद रखिए कि हमें इसमें काला नमक ही यूज़ करना है। अब हम पानी पूरी का तेज या तीखा पानी बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने एक मिक्सिंग बाउल ली हूँ। अब इसमें ऐड करेंगे पेस्ट जो कि अभी हमने तैयार किए थे। एक नींबू का रस, एवरेस्ट का पानी पूरी मसाला, मैं यहाँ पे पूरा पैकेट ऐड कर रही हूँ। आइस क्यूब्स। अब जिस बर्तन में हमने हरी मिर्ची, नमक, शक्कर और पुदीने का पेस्ट रखे थे, उसी बर्तन में पानी ऐड करके वो पानी इसमें ऐड करेंगे। अब इसमें 1 लीटर पानी ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे ठंडा पानी ऐड की हूँ। आप भी कोशिश कीजिए कि ठंडा पानी ही ऐड करें, क्योंकि पानी पूरी का जो पानी होता है वो ठंडा ही होता है। अच्छे से एक बार इसे मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा पानी पूरी का तीखा या फिर तेज पानी बनके तैयार हो चुका है। अब हम पानी पूरी का मीठा पानी बनाना देखेंगे। यहाँ मैंने ली हूँ 50 ग्राम इमली। मैंने इसे 2 घंटे के लिए पानी में भिगो के रख दी हूँ। 100 ग्राम शक्कर, 100 ग्राम गुड़, 1/2 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर। अब हम एक पैन में इमली को पीस के उसका पेस्ट ऐड करेंगे। अब ऐड करेंगे गुड़।
गुड़ को मैंने तोड़ ली हूँ, लाल मिर्ची पाउडर, नमक, शक्कर और एक गिलास पानी। ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि मीठा पानी बहुत ही पतला नहीं होता है। एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम ढक्कन ढककर 15 मिनट के लिए स्लो आंच पे पका लेंगे। 15 मिनट हो चुके हैं और हमारा मीठा पानी बनके तैयार हो चुका है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हो, ये बहुत ही ज़्यादा पतला नहीं है और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा है। तो हमारी पानी पूरी में ऐड होने वाली तीनों चीज़ें बनके तैयार हो चुकी हैं। पूरी मैंने रेडीमेड मार्केट से ली हूँ। तो चलिए अब हम एक पानी पूरी बनाना देख लेते हैं। तो यहाँ मैंने पूरी को बीच से थोड़ा सा तोड़ ली हूँ। अब हम इसमें ऐड करेंगे रगड़ा। रगड़ा ऐड हो जाने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे मीठा पानी। रगड़ा मसाला ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो ना भी यूज करो। अब ऐड करेंगे तेज पानी या तीखा पानी। पानी पूरी में रगड़ा, मीठा पानी, तेज पानी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हो। तो ये हमारी पानी पूरी तैयार है। तो था ना इसे बनाना बहुत ही आसान। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें क्योंकि इसे देख के खाने का मन तो ज़रूर होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय।